नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे स्लोप ओवर किसे कहते हैं, फ्लोट ओवर किसे कहते हैं, इनके होने के कारण क्या होते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने दोस्तों बॉयल ओवर के बारे में बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाके उसे जरूर देखें। तो इस वीडियो में हम स्लोप ओवर फ्लोट ओवर के बारे में देखेंगे पूरी डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्लोप ओवर इज एन ओवरफ्लो ऑफ द कंटेंट ऑफ द टैंक। किसी भी स्टोरेज टैंक में जब हम मटेरियल स्टोर करते हैं और जब वो मटेरियल ओवरफ्लो के टैंक से बाहर आके गिरना शुरू हो जाता है तो उसे स्लोप ओवर कहते हैं। दिस कैन रिजल्ट व्हेन वाटर इज अप्लाइड टू फुल सरफेस टैंक फायर प्रोवाइडेड द ऑयल इज विस्कस एंड इट टेम्परेचर एक्सीड्स द बॉइलिंग पॉइंट वाटर। ये उस कंडीशन में होता है जब किसी स्टोरेज टैंक में फुल सरफेस फायर होती है, मतलब पूरे टैंक के सरफेस पे ऊपर में फायर होती है और उस पर हम पानी अप्लाई करते हैं उसको बुझाने के लिए, तो इस कंडीशन में स्लोप ओवर होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो जो तेल होगा वो चिपचिपा गाढ़ा तेल होना चाहिए, हैवी ऑयल होना चाहिए, और उसका टेम्परेचर जो होगा वो हीट के कारण पानी के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाना चाहिए। लेकिन ये उसी कंडीशन में होगा जब जो टैंक में ऑयल स्टोर्ड है वो गाढ़ा ऑयल होना चाहिए, मतलब विस्कस ऑयल होना चाहिए, हैवी ऑयल होना चाहिए, क्रूड ऑयल टाइप का, और उसका जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा हो गया होगा हीट के कारण, तो इसी कंडीशन में स्लोप ओवर हो सकता है। द वाटर फर्स्ट सिंक इन टू द हीट वेव एंड इट एक्सपेंडेड इन टू स्टीम। जब हम फुल सरफेस टैंक फायर को बुझाने के लिए पानी का यूज़ करते हैं, पानी अप्लाई करते हैं उस पर, तो पानी क्या होता है, तुरंत जो हीट वेव्स होती है उसमें चली जाती है एंड इट, और जैसा मैंने ऊपर आपको बताया कि जो ऑयल होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा होता है, तो ये जैसे ही पानी अंदर जाएगा वो तुरंत स्टीम में कन्वर्ट होगा। ऑन इट्स वे आउट द स्टीम फॉर्म्स ए फोर्थ विच एक्सपेंड द हॉट ऑयल इन द हीट वेव टू अ ग्रेटर कैपेसिटी देन द उलूज ऑफ द टैंक। और फिर जब जैसे ही स्टीम बनेगी पानी से और स्टीम बाहर आना शुरू होगा तो वहां पे एक झाग तरह का बनता है और ये जो स्टोरेज टैंक में मटेरियल स्टोर है उसको एक्सपेंड करना शुरू कर देता है, और इतनी ज़्यादा कैपेसिटी में एक्सपेंड होने लगता है ये कि जो टैंक की स्टोरेज क्षमता है उससे ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है एंड कॉज द फ्रॉट टू स्पिल ओवर द टॉप ऑफ द टैंक। और इसके कारण क्या होता है, जो झाग होता है वो टैंक के एज से होता हुआ बाहर की तरफ गिरने लगता है। तो अगर सिंपल तरीके से समझें तो किसी भी स्टोरेज टैंक में जिसमें हैवी मटेरियल स्टोर किया हुआ है क्रूड टाइप का, और उसमें हम फुल सरफेस फायर में हम अगर पानी अप्लाई करते हैं उसको बुझाने के लिए, तो उस जो ऑयल का टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो गया होगा, तो जैसे ही पानी और ऑयल कॉन्टेक्ट में आएगा वहाँ पे पानी से स्टीम बनेगा और वहाँ पे एक झाग का फॉर्म बनेगा, और जिससे कारण क्या होता है कि जो हॉट ऑयल होगा, गर्म ऑयल होगा, वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा और जो टैंक की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जब मात्रा हो जाएगी मटेरियल की, तो वो जो टैंक के किनारे हैं वहाँ से वो बाहर आना शुरू हो जाएगा और बाहर आके फैलने लगेगा, उसे स्लोप ओवर कहते हैं। द स्लोप ओवर इज नॉट ए वायलेंट इरप्शन लाइक ए बॉयल ओवर। जो स्लोप ओवर होता है ये उतना तीव्र नहीं होता है, इतनी तेज आग नहीं होती है जितनी बॉयल ओवर में होती है। बॉयल ओवर का वीडियो नहीं देखा है आपने तो आप आई बटन में जाके चेक करें, लिंक मिल जाएगी, उसे जरूर देखें आप, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। आगे मैं स्लोप ओवर को एक चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। अब देखेंगे फ्लोट ओवर क्या होता है। फ्लोट ओवर इज द ओवरफ्लोइंग ऑफ ए कंटेनर। फ्लोट ओवर भी किसी स्टोरेज टैंक में जो मटेरियल स्टोर है उसके ओवरफ्लो होने को फ्लोट ओवर कहते हैं। नॉट ऑन फायर व्हेन वाटर बॉइल्स अंडर द सरफेस ऑफ विस्कस हॉट ऑयल। बट इसमें कंडीशन ये होती है कि इसमें टैंक में आग नहीं होती है। हमने अब तक बॉयल ओवर में और स्लोप ओवर में देखा कि टैंक के सरफेस पे फायर होती थी, बट फ्लोट ओवर में भी ओवरफ्लो होता है मटेरियल, लेकिन इसमें आग नहीं होती है। जब हम गर्म मटेरियल स्टोर करते हैं किसी टैंक में और वो पानी के कांटेक्ट में आता है कहीं से, उस कंडीशन में ये होता है। इसमें फायर की कोई कंडीशन नहीं होती है। फ्लोट ओवर में फायर का कोई रोल नहीं होता है, इसमें टैंक में फायर की कंडीशन नहीं होती है। एन एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इज ए हॉट एसफॉल्ट लोडेड इन टू ए टैंक कंटेनिंग सम वाटर। अगर हम गर्म डामर को किसी टैंक में स्टोर करते हैं जिसमें पानी है, द वाटर में बिकम हीटेड एंड स्टार्ट टू बॉयल। तो जो डामर है वो तो पहले से गर्म है और जब वो पानी कांटेक्ट में आएगा तो वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा और उससे स्टीम जनरेट शुरू होना हो जाएगी, और फिर क्या होगा कि जो डामर है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा स्टीम के कारण, और जो डामर है वो ओवरफ्लो होने लगेगा टैंक से, तो उसे हम फ्लोट ओवर कहते हैं। व्हेन वाटर इज प्रेजेंट और एंटर्स ए टैंक कंटेनिंग हॉट विस्कस ऑयल। तो जैसा मैंने ऊपर बताया कि जब किसी टैंक में हम कोई गर्म मटेरियल स्टोर करते हैं तो वो जब पानी के कॉन्टेक्ट में आता है, द सडन कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम,
जब तुरंत पानी स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा, और जिसके कारण जो टैंक टैंक का कंटेंट है, जो मटेरियल है, वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा एक्सपेंड होके, तो उसे फ्रोथ ओवर कहते हैं। फ्रोथ ओवर की कंडीशन में दोस्तों टैंक पे फायर नहीं होती है, सिर्फ स्लोप ओवर और बॉयल ओवर में फायर की कंडीशन होती है, फ्रोथ ओवर में कोई भी फायर की कंडीशन नहीं होती है, ये अंतर होता है। अब फिगर के माध्यम से समझेंगे। स्लोप ओवर में हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जैसे आप स्लोप ओवर देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें फायर है और ये जो मटेरियल निकल के गिर रहा है, ये साइड के जो टैंक के एज है, इसके साइड से निकल के बाहर की तरफ फैल रहा है। ये हो गया हमारा स्लोप ओवर। जो फ्रोथ ओवर है, इसमें जो ये झाग है और जो मटेरियल है, ये साइड साइड में निकल रहा है, बट यहाँ पे फायर नहीं है। स्लोप ओवर में यहाँ पे फायर है, फ्रोथ ओवर में यहाँ पे फायर नहीं है। ये पानी के कॉन्टैक्ट में आने से, गर्म ऑयल और पानी के कॉन्टैक्ट में आने से ये होता है। बॉयल ओवर जो होता है, इसमें आग बहुत ही भयानक हो जाती है और चारों तरफ ये फैलने लगता है, गिरने लगता है। तो स्लोप ओवर में और बॉयल ओवर में तो फायर होती है, बट फ्रोथ ओवर में फायर की कंडीशन नहीं होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपने बॉयल ओवर का वीडियो नहीं देखा तो एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, आप जाके जरूर देखिएगा, आई बटन में लिंक है उसका। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। जय हिंद।